त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। हर साल मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। कोविड-19 का प्रभाव नागपंचमी के त्योहार पर भी पड़ा, जिसके चलते चारों ओर मंदिरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। रायपुर में पहली बार ऐसा हुआ कि 200 साल पुराना शिव मंदिर इस बार वीरान पड़ा है। बता दें कि जिला प्रशासन ने 28 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है, और इस मामले में शिव मंदिर के ट्रस्ट कमेटी के सचिव महेंद्र अग्रवाल ने बताया है कि 200 वर्षों की परंपरा टूटी है। लॉकडाउन के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है, जिसके चलते इस बार नाग पंचमी में मंदिर के स्टाफ ही मौजूद रहे। सावन का महीना है और आज नाग पंचमी का दिन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर है शिवालय है, जो सीने पड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि भगवान जो है उनका श्रृंगार तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर भक्तों की कमी नजर आ रही है। कमी इसलिए भी है क्योंकि राजधानी रायपुर को 7 दिनों के लिए पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया गया है। इस वजह से धार्मिक स्थलों पर भी पाबंदी लग गई है। आपको बताना चाहेंगे कि मंत्रोच्चारण तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन किसी भी भक्त की जो संख्या है वो नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। तो इसी तरीके का जो नजारा है वो राजधानी रायपुर का है, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण भगवान के जो पूजा पाठ है उसमें भी काफी प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।